हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप लोग? ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा. आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूल सेल, राइट? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल सेल? मैंने स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ फ्यूल सेल होते हैं, राइट? आपने देखा होगा कि हमारी बैटरी जो कार होती है, कार जो है वो डीजल पेट्रोल की कार डीजल डालने से चलती नहीं है, मतलब डीजल से नहीं चलती है, राइट? तो हम लोग को उसको कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, उसके फ्यूल सेल को चेंज करना पड़ता है. हम लोग को चेंज करना है, उसको सीएनजी मोड पे लेके आना है कार को, तो सीएनजी को उसका फ्यूल सेल लगाना पड़ता है. फ्यूल सेल अलग अलग के लिए अलग अलग होता है. आज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंडिया में वो है क्या है, नॉर्मली पेट्रोल का यूज़ करते हैं बट कार्स के अंदर, बट फॉरेनर्स में, फॉरेन में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज किया जाता है. तो आज हम लोग दो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, मिथेनॉल फ्यूल सेल है, बहुत सारे फ्यूल सेल होते हैं. तो आज हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि हमारी कार सिर्फ हाइड्रोजन से चले, क्योंकि हम लोग को हाइड्रोजन से दो चीज अच्छी मिलती है. एक, इसका बाय प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं होता इसके जरिए. इसका बाय प्रोडक्ट जो है वाटर है, जिसके जरिए कोई पोल्यूशन नहीं होता. और सेकेंडली, इसकी जो एफिशिएंसी, इसकी जो स्पीड मिलती है हम लोग को, बहुत ज़्यादा मिलती है. इसलिए तो हम लोग को मालूम है रॉकेट्स वगैरह में, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, राइट, उसमें हम लोग एज अ फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से हम लोग को उसका कंबशन पावर बहुत ज़्यादा है, और कंबशन पावर ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ज़्यादा मिलती है, ठीक है? तो फ्यूल सेल की तरफ जाते हैं हम लोग. फ्यूल सेल होता क्या है इसको हम देखेंगे. तो फ्यूल सेल जो है हमारा, मैं आपको आज जो है दो तरीके से बताऊंगा. एक चीज हम लोग को इसमें क्या है, और एक्चुअली फ्यूल सेल में बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे फ्यूल सेल क्या है, इट इज अ गैल्वेनिक सेल. मैंने बता चुका हूँ इससे पहले भी, हम लोगों ने बहुत बार मैंने ये बात को जिक्र किया कि इट इज अ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल मतलब हम लोग को मालूम है, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक्स सेल कोई बोलते हैं. वोल्टेक्स सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने आप रिएक्शन होती है, और उससे केमिकल एनर्जी रिलीज होती है. वो केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग. तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या, इट इज अ गैल्वेनिक सेल इन विच द केमिकल एनर्जी रिलीज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जिसका डेल्टा जी क्या रहेगा हमारा, लेस देन जीरो रहेगा, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर होंगी और उसके जरिए केमिकल एनर्जी निकलेगी, और इस केमिकल एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, राइट? इस सेल में ये होगा, ठीक है? तो गैल्वेनिक सेल में ये होता है. दिस द फ्यूल सेल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर गैल्वेनिक सेल. क्या डिफरेंस है अगर हम देखेंगे तो, नॉर्मल अब तक जितने गैल्वेनिक सेल मैंने सिखाया हूँ आप लोगों को, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, पहले से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को अंदर रखते हैं, उसके जो फ्यूल है अंदर, मटेरियल है वो अंदर ही होगा, मतलब बीकर के अंदर ही रहेगा हम लोग, राइट ना? बट यहाँ पर बीकर के अंदर कुछ भी नहीं होता, बीकर के अंदर KOH होता है बस, नहीं होता है. बट हम लोग फ्यूल जो होता है वो बाहर से, यहाँ से के हाइड्रोजन को मैं बार बार कंटिन्यूसली बबलिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन को कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा हूँ. मतलब भी हमारे बीकर के अंदर, हमारे चेंबर के अंदर जो मैं यूज़ कर कंटेनर है, वो कंटेनर के अंदर कोई भी चीज़ मैं ऐसा एट प्रेजेंट नहीं है, मैं बाहर से कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहा हूँ. तो ये चीज़ डिफरेंस है नॉर्मल ऑर्डिनरी फ्यूल से, ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल में और फ्यूल सेल में. फ्यूल सेल जो गैल्वेनिक सेल है उसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें होती है, जो मतलब हाइड्रोजन फ्यूल है, राइट, हाइड्रोजन और एयर जो हम लोग ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं, बाहर से कंटिन्यूसली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? ये डिफरेंस है. नाउ कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन में क्या दिख रहा है हम लोगों को, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एनोड और कैथोड. इसमें एनोड और कैथोड कैसे है, ये पोरस होते हैं. कैथोड और एनोड कैसे होते हैं हमारे, पोरस होते हैं. पोरस होने की वजह से क्या होता है, इसको ये भी पोरस रहेगा हमारा, ठीक है? हमारे कैथोड और एनोड क्या होते हैं, पोरस होते हैं. पोरस कार्बन रॉड से बने होते हैं. किससे बने, पोरस कार्पोरस मतलब उसमें पोर्स होंगे जिसके जरिए कोई चीज आर पार हो जाएगी. तो पोरस कार्बन रॉड से बना होता है, और इसको जो है इसके अंदर थोड़ा बहुत प्लैटिनम स्मॉल विच कंटेन मैं क्या लिखूंगा, एनोड और कैथोड इज मेड अप ऑफ वाटर, पोरस कार्बन रॉड, राइट, विच इज विच कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लैटिनम. थोड़ा सा प्लैटिनम जो है हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी
लॉकडाउन में चल रहा है तो इससे ये नॉइज तो आती रहेगी। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है तो नॉइज पोल्यूशन होती रहेगा, घर पे बना रहे लेक्चर प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो एनोड कैथोड में क्या होता है, फोरस कार्बन रॉड जो है वो हम लोग लेते हैं और उसमें क्या है प्लैटिनम ऐसे कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा, थोड़ा सा हम लोग उसके पाउडर प्लैटिनम के पाउडर्स में रखते हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन हो। क्या रहेगा प्लैटिनम बताऊंगा आपको, ठीक है राइट। उसके अलावा क्या दिख रहा है हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या इसके हॉट के ओ एच यूज करें, क्या करें और के ओ एच यूज करें। हाइड्रोजन गैस जो है अब क्या होता है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के लिए हाइड्रोजन गैस कहाँ से बबलिंग कर रही है, हाइड्रोजन गैस इज बबल फ्रॉम एनोड, कहाँ से बबलिंग हो रही है हमारी, एनोड से, और ऑक्सीजन गैस इज बबल फ्रॉम कैथोड, कैथोड से बबलिंग करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस को हम लोग एनोड से बबलिंग कर रहे हैं, ये एनोड है मेरा, और ऑक्सीजन गैस को बबलिंग कर रहे कहाँ से, कैथोड से कर, ये हमने पूरा लिख दिया रिएक्शन। अब रिएक्शन के बाद मैं समझाता हूँ, मैं नेट सेल बार रिएक्शन मतलब सेल रिएक्शन बाद में आऊंगा, पहले ये समझ के लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो होता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो अंदर आती है, हाइड्रोजन गैस अंदर आएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जैसे हमारे जो है प्लैटिनम जो है इसके अंदर रखा हुआ है, तो प्लैटिनम कैटलिस्ट जो है वो रखा हुआ है, तो वो कैटलिस्ट रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन में, यहाँ पे शॉर्ट में एक छोटी सी रिएक्शन समझाता हूँ, बाद में रिएक्शन जाऊंगा। हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, स्प्लिट होगा, एक्चुअली में हाइड्रोजन आयनाइज होगा, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या एच प्लस के फॉर्म में, टू मोल्स ऑफ एच प्लस और दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, राइट, समझा हम लोगों। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कैथोड पे आएगा, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन यहाँ पे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को लेगा, हाफ ऑफ ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनेगा, ओ टू ओ माइनस टू, क्या बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनेगा, ओ माइनस टू बन जाएगा। हमारे पास एच प्लस है और ओ माइनस टू है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं एक्चुअल में, वाटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एच टू ओ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता वो, मतलब एक्चुअल में ऐसा ही होता है, बट रिएक्शन में हम लोग थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, समझा, यहाँ तक लिए। अगर हम लोग उसको ध्यान, अगर मैं इसको यहाँ पे कंफ्यूज ना करूँ तो मैं यहाँ पे इसको दूसरे में बताऊंगा कि होता क्या, मैं उस रिएक्शन में जब कराऊंगा तो बताऊंगा होता क्या है। एक्चुअल में एच प्लस जो है, एच टू जो है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हुआ यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये जो है पोरस में क्या आता है, एक्चुअल में इसमें ये जो हाइड्रोजन गैस आया समझेगा हमें, तो इसके जो पोर्स है ना, पोर्स खाली प्रोटोन एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसा बनाया गया इसको कि खाली प्रोटोन को एक्सचेंज करेगी, तो प्रोटोन एक्सचेंज करेगा मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये जब टूटेगा किसमें टूटेगा, एच प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, यहाँ पे एच प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे आया समझेगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन टूटा, आयनाइज हुआ और एच प्लस एंड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आया, एच प्लस इलेक्ट्रॉन बने क्या बोला, ये क्या करता है खाली प्रोटॉन को एक्सचेंज करेगा, तो ये क्या करेगा आगे इसको भेजेगा, आगे सिर्फ एच प्लस को भेजेगा, किसको भेजेगा, एच प्लस को भेजेगा, किसके फॉर्म में, एच प्लस के फॉर्म में भेजेगा मतलब प्रोटॉन को भेजेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को वही रहने देंगे, तो यहाँ पे सब हमारे प्रोटॉन आ गए, क्या आगे प्रोटॉन आ गए, समझा, ये प्रोटॉन आ गए, ये प्रोटॉन आगे, ये इलेक्ट्रॉन को जाने की जगह नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे सर्किट बना हुआ, तो ये कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहा कि सर्किट से ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट से घूमेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन सर्किट से घूमेगा तो हम लोगों के यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिससे बल्ब जलेगा हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, समझा आप लोगों को। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो एच प्लस है ये ओ एच माइनस से रिएक्ट करके क्या बनेंगे, एच टू ओ बनाएंगे, क्या बोला तुमने, ओ एच माइनस से रिएक्ट करके एच टू ओ बनाएंगे, क्लियर है लोगों, हाँ है ना, रिएक्शन समझो, मैंने क्या बोला, यहाँ से एच टू जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया, एच प्लस बनाया, एच प्लस बनाने के बाद जो एच प्लस जो है उसको एनोड पोरस जो है वो उसका सेमी परमिएबल है, वो कुछ लोग को अलाउ करेगा कुछ लोग को अलाउ नहीं करेगा, तो खाली प्रोटॉन को अलाउ करेगा, तो प्रोटॉन जो है वो आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट से ट्रांसफर होगा, और सर्किट से ट्रांसफर होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एच प्लस यहाँ पे आ चुका, यहाँ पर क्या है, OH माइनस है, तो OH माइनस रिएक्ट करके क्या बनेगा, एच टू बनेगा। आगे स्टेप में यहाँ से हाइड्रो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन जो वापस से किससे, वाटर से रिएक्ट करेगा, और वाटर से रिएक्ट करके वापस से क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा, कैथोड पे क्या होगा, वो जो वाटर बनाया है वो वाटर कैथोड ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन से रिएक्ट, मैं रिएक्शन बताऊंगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कैथोड से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, OH माइनस, वापस से OH माइनस एज इट इज आएगा, OH माइनस यूटिलाइज हुआ था, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वापस OH माइनस
एज इट इज रहेगा। यहाँ पर मैं एक्सेस ऑफ वाटर क्यों निकला, यहाँ पे हो सकता है कि ये ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करे वो निकल जाए, हो सकता है कि केओएस रिएक्ट नहीं किया होगा वाटर जो बना था वो वाटर यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पर क्या ये जो अनयूज गैसेज और अनयूज जो है वाटर जो है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पर मैंने वो लिखा। ठीक है आपको समझ में आया, तो मैं यहाँ पे मिटाता हूँ आपको, अभी सेल रिएक्शन की तरफ लेके जाता हूँ। ओके फटाफट थोड़ा सा हम लोग वापस से नेट सेल रिएक्शन को देखते थे, हम लोग सॉरी सेल रिएक्शन को देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन राइट। तो सेल रिएक्शन में क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, पहले एनोड पे लिखेंगे हम लोग, पहले पता है एनोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बबलिंग करते हैं, हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस OH- से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, 4 मोल्स ऑफ OH- से रिएक्ट करता है। एनोड पे यहाँ पर ये दोनों रिएक्ट करते है ना, और क्या बनाते हैं H2O बनाते, क्या बनाते हैं H2O, H2O यहाँ पर क्या है कितने ऑक्सीजन चार रहते हैं, यहाँ पर चार लगा दिया, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन गया हमारे, और यहाँ पर H कितने 8 है, यहाँ पे कितने 4 है, ये 6, इसको भी 2 लगा दिया, यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गए राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकलेंगे, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये हम लोगों नाउ कैथोड से अगर बात करते, कैथोड कैथोड में क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन यहाँ से है ना कैथोड पे, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, मैं बता रहा कि ये वो वाटर बना है उससे रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड में इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है आएगा, ठीक है यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, मैंने बोला था क्या बनता है, OH- माइनस बनता है, क्या बनता है, वापस ही हमारा बेस बनता है OH- माइनस, कितने OH यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लगा दिया, कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन लग रहे, 4 समझा, तो सर देखो OH- माइनस बन गया हमारा, ये हो गया कैंसिल आउट कर दो, जो भी कैंसिल होता है, और नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे हम लोग, कैंसिल ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, वाटर में 2 वाटर कैंसिल हो गए, तो हम लोग को मिलेगा क्या, 2H2 प्लस O2 gives 2 moles of H2O राइट। तो ये हमारी नेट सेल रिएक्शन, ये रहा आप लोग को नेट सेल रिएक्शन एकदम इजी है, तो ये हमारा हो गया फ्यूल सेल। ठीक है हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है कॉपी डाउन। ओके तो आप लोगों ने फ्यूल सेल लिख लिया, ना हम लोग जो देखने वाले लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका और एक नाम जो है इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी है राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है वो देखेंगे और उसके एप्लीकेशन देखेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज राइट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को ये दिखेगा कि एक आप लोग मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर एक पिक यहाँ पर लगा दूँ राइट, जिसको आपको समझने में इजी होगा, बेटर रहेगा आपको समझना है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक यूज़ करो, टेक्स्ट बुक में आपको वो पिक क्लियर दिखेगी राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पिक जो है टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो उसको हम लोग क्लियरली दिखेंगे, आपको समझना आएंगे पॉइंट्स राइट ना, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है तो अगर हम उसमें देखेंगे किसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे, तो क्या दिख रहा है कि हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी अलग अलग टाइप के मेटल है, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका पोटेंशियल निकाला गया, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल के दिया गया, किसी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, जैसे हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है, 0 माना है, कंसिडर 0 किया, हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 मान के हम लोगों ने क्या किया, सेल लगाया, और सेल के जरिए एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लगाया, एक तरफ दूसरे इलेक्ट्रॉन को लगाया, और उसमें जब करंट पास किया तो हम लोगों ने कैथोड माइनस एनोड के जरिए वो फॉर्मूला अप्लाई करके इसका पोटेंशियल निकाला, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल निकाला और उसको ऑर्डर में रखा, उसको हम लोगों ने क्या रखा, ऑर्डर में पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक हम लोगों ने ऑर्डर में रखा, और ऑर्डर में रखने के बाद हम लोग को जो सीरीज मिली, जो अरेंजमेंट मिला, वो अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज राइट। समझ गया हम लोगों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का यूज करके हम लोग ने डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाला और उसको अरेंज किया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव राइट, पॉजिटिव वैल्यू से लेकर नेगेटिव वैल्यू, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू तक मैंने इसको अरेंज किया, और ये जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हो गया डेफिनेशन।
राइट। नाउ की पॉइंट्स, कैसे इसको अरेंज किया गया है, इसमें क्या क्या है, हम लोग को समझने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो पॉइंट नंबर वन, जो रिएक्शन यूज किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम लोग देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो रिएक्शन यूज किया गया है तो वो कैसा है मालूम, वो रिडक्शन रिएक्शन यूज किया। मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि हमेशा किसकी चलती है, जिसका जिसके पास पैसा हो, है ना, जिसके पास पावर हो, और पावर के पास पैसा जिसके पास होगा, पता किसके पास होता है, जिसके पास पैसा आता है उसके पैसे ज्यादा रहेंगे, पैसा रिडक्शन, पैसा मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस में आता है, रिडक्शन यहाँ होता है, इसीलिए हम लोग रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन दिया गया है वो सब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, क्या दिया है, रिडक्शन रिएक्शन है, यानी जो वैल्यू है वो हमारी सब रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की क्या है, वैल्यू है। अगर हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए था तो जो वैल्यू दी गई उसको उल्टा कर देंगे, जो वैल्यू दी गई न्यूमेरिकल में हम लोग को ऑक्सीडेशन की यूज करना है वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वैल्यू दी है माइनस में दिया हुआ था उसको क्या करेंगे, माइनस थ्री दिया हुआ, हम लोग उसको लिखेंगे प्लस थ्री, समझा, न्यूमेरिकल के लिए बताया, नीट के न्यूमेरिकल के लिए ना। तो वही ना बताया कि पहला पॉइंट क्या हमारा, कि द हाफ सेल रिएक्शन रिटन एज रिडक्शन रिएक्शन में फॉर्म में लिखा गया। सेकेंड पॉइंट, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर शोन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अगर सीरीज को देखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इंक्रीजिंग जो दिया हुआ वो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, और राइट साइड में क्या दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहे, समझा, मतलब एग्जाम्पल ऊपर जो है Fe2F2 दिया हुआ है, नीचे जो है Li दिया हुआ है, बीच में हाइड्रोजन है, तो F2 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, बढ़ता है। वही बोलने की कोशिश है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट का राइट साइड में दिया हुआ है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, जो एरो बनाया और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर बनते बढ़ता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट राइट साइड में दिया हुआ, वही पॉइंट बोला है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है और राइट साइड में क्या दिया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के नीचे हम वैल्यू देखेंगे सारी के सारी वैल्यू जो है नेगेटिव में, वही दिया है बिना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वैल्यू का गिवन क्या है, नेगेटिव स्टैंड पोटेंशियल इंक्रीज, नेगेटिव से इंक्रीज होता है, राइट, और अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के या हाइड्रोजन पोटेंशियल के ऊपर क्या होता है, तो हाइड्रोजन जीरो है तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज, वही बोला है हाइड्रोजन के बिलो नेगेटिव स्टैंड पोटेंशियल इंक्रीज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव स्टैंड पोटेंशियल इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट, E0 वैल्यू जो है अप्लाई होती है रिडक्शन हाफ सेल के लिए जो है ना, वो सब फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो है ये सारी रिएक्शन जो है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन है, जितनी ज्यादा फिफ्थ पॉइंट वही दिया हुआ है, जितनी ज्यादा E0 की वैल्यू रहेंगी उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन जाएगा, नेगेटिव में आएंगी, जितनी कम रहेगी उतना वो क्या आएगा हमारा बैकवर्ड की तरफ रहेगा, समझा हम लोग को, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या जरूरी है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ज्यादा वैल्यू, जितना E0 वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, जितनी ग्रेटर रहेगी उतना वो क्या रहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये पांचवा पॉइंट समझ में आया लोगों, ये आपके सामने है पॉइंट, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन बोला मैंने, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या क्या पॉइंट होते हैं वो मैंने बोला, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज हो रही है और बारिश की आवाज भी आ रही है, क्या कर सकते हैं, हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, हम लोग यही तो बना रहे हैं, तो समझ के लो भाई, आपको हेडफोन यूज करो ताकि आपको समझ में आए। अब मैं जा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट, तो पहला एप्लीकेशन है, मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब हम लोग को ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसके जरिए हम लोग को आसानी से मालूम पड़ेगा कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे मालूम पड़ेगा, अभी बताया मैंने कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ती है,
ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है। ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा कहेगा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, अच्छी तरह से वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और नीचे वाला एजेंट क्या है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नहीं रहेगा, समझे हम लोग को, नीचे वाला खराब वाला राइट। उसके बाद ज्यादा ऊपर जाएंगे हम लोग तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर क्या आएगा बढ़ेगा। वही बोल रहा है क्या बोलेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप राइट, बॉटम टू टॉप क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर क्या है पावर इंक्रीजेस, ठीक है समझा। सेकेंड पॉइंट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट का रिलेटिव स्ट्रेंथ देने हैं। ये भी देखेंगे ना ये तो बॉटम तो टॉप नीचे के ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेंथ इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर बढ़ता है। यहाँ पर क्या आएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे क्या होता है ये इंक्रीजेस, मतलब क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट का पावर जो है जहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट का पावर क्या आएगा बढ़ेगा। ये सेकेंड पॉइंट मतलब हम लोग को ये हेल्प कर रहा कौन कर रहा है इलेक्ट्रो मोटिव सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितना हेल्प कर रहा है, कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पता करने में हेल्प कर रहा है, उसका कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ये पता करने में हेल्प कर रहा है। लिख लिया आप लोगों ने राइट, इतना लिख लिया कोई डाउट है किसी को। अब आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है हमारा स्पॉन्टिनिटी क्या निकालना हम लोग को, मैं जगह नहीं है तो इसलिए बता रहा हूँ। थर्ड जो है स्पॉन्टिनिटी, थर्ड जो है हमारा स्पॉन्टिनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे हम लोग को ये हेल्प करता है कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प करता है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जरिए हमको मालूम पड़ा है कि ईएजी की वैल्यू जो है हमारी 0.8 वोल्ट है और ई जीरो एमजी की वैल्यू जो है वो -2.37 वोल्ट है राइट। तो ये दिया हुआ है हम लोग को मालूम है कि हम लोगों का फॉर्मूला है ई जीरो सेल निकालने का, ई जीरो सेल इक्वल टू क्या होता है ई जीरो कैथोड है ना कैथोड माइनस ई जीरो एनॉड होता है। मैंने तुमको बताया था कि कैथोड जो होता है जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी जितना दो वैल्यू थी दो में जो ज्यादा वैल्यू रहेगी वो कैथोड रहती है, दो में से जो कम वैल्यू रहेगी वो एनॉड। ऑब्वियसली इसके बाद पैसा आ रहा है गेन हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या ज्यादा रहेगी। यहाँ पर मेरा एक कैथोड कौन है ये कि ये इसकी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये कैथोड है ई का यहाँ ई जीरो ए जी माइनस ई जीरो एम जी राइट। ई जीरो ए जी कितना है 0.8 माइनस माइनस कितना है 2.37 वोल्ट ठीक है बराबर। अगर वो कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3.17 वोल्ट आएगा। ई जीरो वैल्यू जो है ई जीरो सेल की वैल्यू की हमारी जो आई क्या आई है ये पॉजिटिव वैल्यू आई, ई जीरो सेल की वैल्यू क्या आई हमारी पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव आई है अगर ये जो है पॉजिटिव है इसका मतलब हमारी एक्शन जो है वो क्या है स्पॉन्टेनियस क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होने वाली रिएक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आई। याद रखना हम लोग डेल्टा जी के जरिए ई जीरो सेल के जरिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस पता कर सकते हैं, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। ई जीरो सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ई जीरो सेल की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको एनर्जी लगेगी। तो इस बिकॉज मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो यूज करके मैंने क्या किया कैथोड की वैल्यू निकाला मतलब ए जी की वैल्यू निकाला एम जी की वैल्यू निकाला और उनको पुट किया एज पर द नॉलेज मैंने मेरे को मालूम है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा एनर्जी हो क्या होता है वो कैथोड होता है। तो इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू उसकी है तो उसका मतलब कैथोड है एनॉड है मैंने पुट किया वैल्यू उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 3.1517 इसका मतलब पॉजिटिव में वैल्यू है इसका मतलब हमारा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जो रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है क्या हुआ है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है मैंने बोला था इससे पहले पॉइंट में जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रहेगी उतना अच्छा
रिड्यूसिंग एजेंट। हम सीरीज में देखेंगे तो एच टू जो है सबसे ऊपर है जिसकी वैल्यू जो है प्लस 2.87 कुछ है, तो वो जो वैल्यू है हमारी वो क्या है क्या है पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नीचे अगर हम देखेंगे सीरीज में सबसे लास्ट में एल आई है, एल आई की वैल्यू -3.045 है, तो इसका मतलब माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लास्ट स्टेटमेंट के ये एजी जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको एमजी को, या एजी जो है ऑक्सीडेशन करेगा ना, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने का ऑक्सीडेशन करेगा, तो एजी जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है एमजी को। क्लियर है हम लोग को? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम्प्लीट होता है। आपको अपनी नोट बनानी है, सारे जितने वीडियोज है फिर से पूरे देखिए, पूरे देख के कंप्लीट नोट्स बनाइए, नोट बना के और उसको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिसके बाद मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप पे मेरे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। राइट, हम लोग नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू।